अब शुक्रानों की बात आती है, तो पहले शुक्राने भगवान के जिन्होंने मनुष्य शरीर दिया। मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है 84 लाख योनियों में, जिससे कि हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, जिसमें कि हमें विवेक मिला है। और तो किसी शरीर में विवेक नहीं है। गाय का शरीर है, इतना सुंदर शरीर है, उसमें कितने सारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, पर वो भी अपनी मुक्ति हासिल नहीं कर सकती, उसके भी विवेक नहीं है। विवेक सिर्फ मनुष्य के पास है। तो सबसे बड़ी कृपा हमें मनुष्य शरीर मिला, जिसमें हमें गुरु मिले, उन्होंने मनुष्य जन्म का लक्ष्य बताया। न मिलते अगर तुम सदगुरु, न जाने हम कहाँ जाते, हमें बेआसरा पाकर सताने गम चले आते। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, मेरी जिव्या एक तेरे गुण बेशुमार। गुरु जी की तो महिमा गाई नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि उन्होंने मनुष्य जन्म का लक्ष्य बताया। उन्होंने बताया कि खाना पीना भोगना मनुष्य जन्म में आए के जीर्ण लीनियो ज्ञान, तिनका खाना पीना भोगना सब पशु समान। ये पशु भी तो खा पी भोग रहे हैं, ऐसे तुम खा पी भोग रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। वो कचरे के पे सोते हैं, तुम एसी में सो रहे हो। तुम रसगुल्ले और मिठाई खाते हो, वो लोग निष्ठा खाते हैं, उसको वो बढ़िया समझते। तो कहने का क्या मतलब है कि गुरु ने हमें कितनी बड़ी चीज़ दी, मनुष्य जन्म का लक्ष्य बताया। भगवान ने तो मनुष्य शरीर दिया, 84 लाख योनियां भुगत के हमें ये मनुष्य शरीर मिला। उसके बाद गुरु ने हमें बताया कि मनुष्य जन्म का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है, अपने को इवॉल्व करना है, राइज करना है। जो पहले हमारे कर्म स्वभाव थे, पहले हमारे संस्कार थे, पहले हमारे जो कर्म थे, उससे हमें एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनना है। बनना है नहीं बनना, या पहले जैसे ही रहना है, जैसे आए थे वैसे ही चले गए या और ख़राब हो गए? स्वामी राम सुखदास जी से किसी ने पूछा कि कम से कम मनुष्य को कितनी मेहनत करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा इतनी मेहनत तो करे कि कम से कम मनुष्य शरीर दोबारा मिले, नरकों में तो ना जाए। कम से कम इतनी मेहनत तो करे। तो गुरु हमको बताते हैं कि मनुष्य जन्म का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है, तुम्हें इस मंजिल की ओर बढ़ना है, अपने स्वभाव संस्कारों को सुधारना है, बेटर ह्यूमन बीइंग बनना है, सबकी सेवा करनी, भगवान को याद करना है और सबकी सेवा करनी। सर्वभूत हिते रता, फिर माता पिता के शुक्राने, जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने अच्छे संस्कार दिए, जिन्होंने पढ़ा लिखा के बड़ा किया, उनके शुक्राने नहीं है? कितने शुक्राने हैं उनके। माँ जो होती है वो खुद गीले में सोती है और हमें सूखे में सुलाती है, कि कितना मुश्किल है। देखिए बच्चे पालना, जब माँ बनती है एक स्त्री, तब पता चलता है कितनी मेहनत है। रात दिन एक करके बच्चों को पालती है माँ, और बच्चे माता पिता की कदर नहीं करते। आजकल का नया फैशन चला है, तो जो बच्चे माता पिता की कदर नहीं करते, वो ज़िंदगी में कुछ हासिल भी नहीं कर पाते। हमेशा माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तड़ातड़ जवाब नहीं देने चाहिए, बहुत ज़्यादा उनके लिए इज्जत रखनी चाहिए मन में। गुरु के लिए तो हम रखते हैं, पर माता पिता के लिए भी रखनी चाहिए। कैसे भी हैं हमारे माता पिता, है ना, बहुत अच्छे, भगवान ने दिए, हमने खुद चूज़ किए। यू चूज़ योर पेरेंट्स योर सेल्फ। गुरु की कितनी कृपा है। अब गुरु की कृपाओं का तो बखान ही नहीं कर सकते। सबसे पहले तो गुरु हमारा संबंध भगवान से कराते हैं, कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। कितना बार बार गुरु हमको कहते हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, बार बार भगवान को याद रखो, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। तरह तरह से शॉर्ट्स भेज कर, वीडियोज़ भेज कर, कितनी मेहनत करते हैं गुरु हमारे साथ। अम्मा जी का आशीर्वाद, अम्मा जी की कृपा, गीता भगवान का आशीर्वाद, गीता भगवान की कृपा हमारे ऊपर, हमारे सत्संग के ऊपर बराबर बनी हुई है। और सबसे बड़ा
आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का बहुत प्रेम मिलता है, बहुत प्रेम आप लोगों की, बहुत प्रेम आप लोगों का, बहुत ब्लेसिंग्स आप लोगों की, बहुत सहयोग बहुत ज़्यादा मिलता सारी। फिर गुरु ने हमारा संबंध भगवान से कराया, फिर हमारे स्वभाव संस्कार बदले, हमारी सोच बदली। कितना हमारी सोच नेगेटिव, कितनी नेगेटिविटी थी, कितना स्वार्थ और अभिमान था, नहीं था। अच्छा, कितनी जल्दी घबरा जाते थे, कोई बात आ जाती थी, कोई कुछ कह देता था तो कितनी जल्दी नेगेटिव हो जाते थे, नर्वस हो जाते थे। कितना गुरु ने कॉन्फिडेंस दिया कि फौरन हम भगवान को पुकारते हैं, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ, हे नाथ, तो एकदम पावर आ जाती है, अरे मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं गुरु का बच्चा हूँ। कितनी गुरु ने हमें आत्मशक्ति दी, है ना, कितनी आत्मशक्ति दी हमें आत्मिक गुणों से। अम्मा जी तो आत्मिक गुणों को ही रटाते रहते थे, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप निर्विकारी आत्मा हूँ, अम्मा जी कितना रटाते थे। अम्मा जी तो आत्मा से कम बात ही नहीं करते थे। तो कितनी कृपा है, गुरु ने हमारी नेगेटिव से पॉजिटिव सोच करी, हमारे स्वभाव स्वभाव संस्कार बदले। और कितनी बड़ी बात, जो हम दूसरा दूसरा करके देखते थे, गुरु ने हमारा भाव बनाया है ही भगवान, अम्मा जी ने बताया है ही भगवान। और गुरु कह रहे हैं दूसरा मत देखो, दादा भगवान ने कहा अदर इज हेल, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वमिति। तो उन्होंने कहा कि जब है ही भगवान तो मेरा जन्म कैसे होगा दूसरा, मैं किस योनि में जाऊँगा जब है ही भगवान, तो आप बताइए किस योनि में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, है ही भगवान, तो दूसरी योनि कहाँ हुई, जब है ही भगवान तो दूसरी योनि हुई नहीं, है ही भगवान। आपने पक्का कर लिया कि है ही भगवान, पक्का कर लेना है कि दूसरा बना ही नहीं है, अदर इज हेल, एक ही परमात्मा तत्व है, तो जन्म मरण आपका होगा ही नहीं, और कोई सोचे ही नहीं मेरा जन्म मरण, मेरा जन्म मरण है ही नहीं। संत लोग तो कहते हैं मेरा जन्म मरण है ही नहीं, मैं तो मुक्त हूं, आप लोग सोचिएगा मत, इतना पक्का होता है। तो हम भी पक्का करें कि ये मेरा अंतिम जन्म हो, मुझे गुरु मिले, गुरु ने मुझे निश्चय कराया, मेरा संबंध भगवान से कराया, मुझे हर तरह का ज्ञान दिया। फिर गुरु ने हमारी सोच बदली, स्वभाव संस्कार बदले, फिर हमें शुक्राना कहना सिखाया, हर बात में शुक्राना, हर नहीं तो कितनी शिकायतें थी, कितनी एक्सपेक्टेशंस थी, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे समय नहीं देता, और कितनी कितनी सारी चीज़ें थी, मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, मेरी लाइफ में कितनी परेशानियाँ हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, मैं ही दुनिया में सबसे दुखी है। हर आदमी क्या सोचता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी कौन है, मैं। और जबकि अब क्या सोचते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड कौन है, मैं। कैसे, गुरु के मिलने से। कितनी वंडर्स हो गए, कितनी मतलब कितनी बड़ी, गुरु हमारी सोच बदलने से, हमारे स्वभाव संस्कार, स्वभाव कितना गंदा होता है हमारा, किसी को बुरी तरह कर दिया, किसी को हर्ट फील करा दिया, किसी को दुखी कर दिया, किसी को बुरी तरह बोल दिया, किसी गलत भाव रख लिया। गुरु बार बार बता रहे हैं किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, बुराई का त्याग करने से अच्छा ही स्वतः हो जाता, बुराई का त्याग कर, किसी के लिए बुरा भाव मत रखो,
खूब शुक्राना मानो, इतने शुक्राना मानो कि तुम शुक्रानों के रूप हो जाए, हो जाओ, शिकायतें सब खत्म। ये मनुष्य जन्म बहुत अनमोल, तो इस मनुष्य जन्म में हमें बहुत इवॉल्व करना है, बहुत राइज करना है, अपने थॉट्स पे, अपने विचारों पे, अपने भावों पे, अपने माइंड पे पूरा फुल कंट्रोल। भगवान ने गीता में कहा ना, मनुष्य अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। वो अपनी आत्मा में है तो अपना मित्र है, अपने मन के साथ बह रहा है, नेगेटिविटी के साथ बह रहा है तो अपना शत्रु है। तो गुरु ने ही हमें अपना मित्र बनाया, अपना मित्र स्वयं। हम अपने ही शत्रु बने हुए थे, हम कहते थे बाहर इतने शत्रु हैं, बाहर कोई शत्रु नहीं है, हम अपने ही शत्रु बने हुए थे। कि हर कर्म यज्ञ है, हर आपकी सोच यज्ञ है, हर कर्तव्य कर्म यज्ञ है। तो गुरु ने कितनी यज्ञ करने सिखाए, आप अपना कर्तव्य कर्म भगवत भाव से करिए, सबके हित के लिए करिए, जो आपको सेवा मिली है आप जीवन में कर्तव्य कर्म करते हुए जो दुख सुख हानि लाभ जीवन मरण आए जीवन में उसको सहन करिए, वो समत योग हो गया। हर चीज़ को सहन करना, जो कष्ट आए कर्तव्य कर्म में उसको सहन करना, वो योग है। कितनी ज़्यादा तने से हम यज्ञ कर सकते हैं, हमारी सोच ठीक है तो यज्ञ हो रहा है, हमारे दूसरों के लिए हमारे भाव अच्छे हैं तो यज्ञ हो रहा है, हमारा हम सबके लिए ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं तो यज्ञ हो रहा है, हम स्वाध्याय कर रहे हैं पढ़ लिख रहे हैं तो स्वाध्याय रूप यज्ञ हो गया, आत्मसंयम रूप यज्ञ, हम अपनी मन इंद्रियों पे कंट्रोल कर रहे हैं तो यज्ञ हो गया, प्राणायाम रूप यज्ञ, हम प्राणायाम कर रहे हैं तो यज्ञ हो गया, हम समय से उठ रहे हैं जाग रहे हैं सो रहे हैं, हर चीज़ पे हमें कंट्रोल है, अपने शब्दों पे, अपने खाने पीने में, तो आत्मसंयम रूप यज्ञ हो गया। तो गुरु ने हमारा हर पूरा जीवन यज्ञ में बना दी। हाँ, गुरु ने इतनी बड़ी चीज़ दी, हमें कन्हैया दिए, हमें नाम जप दिया, कलयुग नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा, कलयुग जो है वो नाम में ही आप उतर जाएंगे पार, नाम लेना भी इतना आसान नहीं है, हम नाम लेते मन इधर उधर भाग जाता है, भाग जाता है नहीं, एक एक नाम में एकाग्र करके मन को लगाइए, माइंड वैसे ही ध्यान लग जाए। कितने शुक्राने हैं,